Let's do question number 26 of exercise 6A, that is coordinate geometry. Question number 26 is, show that the following points are the vertices of a square. हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं किसके, स्क्वायर के. तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना ए बी सी डी, सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट के. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ए पॉइंट है हमारा 3 2, बी है 0 5, 3 2, बी है हमारा 0 5, सी है हमारा -3 and 2, एंड डी है हमारा 0 and -1. ये आ गए. अब हमें स्क्वायर शो करना है. देखिए स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती थी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती थी कि हमारी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. अगर हम सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर दें तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा स्क्वायर है. तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सारी साइड्स का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि कितनी बड़ी है. तो हम सारी साइड्स निकाल लेते हैं. ए बी निकाली हमने, ए बी में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया. अब ए को हमने x1 y1 और बी को हमने x2 और y2 माना. तो x2 में से, दैट मीन्स 0 में से हमारा 3 माइनस हुआ का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 माइनस हुआ और उसका होल स्क्वायर. तो ये कितना आया, -3, क्योंकि 0 में से -3 गया इज -3 का होल स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 गया इज 3 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 3 इज 9, प्लस 3 3 इज 9. तो ये आ गया हमारा √18. अब √18 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 3 6 18, 3 2 6, तो 3 एक बार बाहर निकल गया, तो ये लिख सकते हैं हम 3 √2 यूनिट्स. ए बी आ गया हमारा 3 √2 यूनिट्स, राइट. अब नेक्स्ट करते हैं हम, अब हम बी सी निकालते हैं. बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी में अब बी हमारा x1 y1 और सी के पॉइंट्स हमारे x2 y2. तो -3 में से हमने माइनस किया 0 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से माइनस किया 5 का होल स्क्वायर, राइट. तो ये कितना आ गया, -3 का होल स्क्वायर, प्लस अगेन 2 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो -3 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, 3 3 इज 9, प्लस 3 3 इज 9. तो ये अगेन √18 आ गया. और इसको क्या लिख सकते हैं हम, बी सी आ गया हमारा 3 √2 यूनिट्स, राइट. अब लेट्स, अब नाउ वी विल, अब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी और डी ए निकालेंगे. अब सी डी निकालते हैं. सी डी के लिए देखिए हमारा x1 y1 ये वाले c के कोऑर्डिनेट्स हो गए और x2 y2 हमारे d के कोऑर्डिनेट्स हो गए. तो 0 माइनस माइनस 3, तो हमारा आया 0 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये देखिए अब अगेन -1 माइनस 2, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये आ गया. अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 3 इज 3, तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस अब अगेन -1 माइनस 2, माइनस के हैं दोनों, तो -3 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 3 3 इज 9, प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 3 इज 9. तो ये कितना आ गया, सी डी भी आ गया हमारा √18. और इसको क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज 3 √2 लिख सकते हैं, यूनिट्स लिख सकते हैं. अब हमारा आया डी ए. अब डी ए निकालेंगे, कुछ भी x1 y1 मान सकते हैं. अब मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो 3 -0 and 2 -1, 3 -0 का होल स्क्वायर, प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 2 -1 + 1, तो 2 + 1 = 3 का होल स्क्वायर. तो ये आ गया 3 3 इज 9,
प्लस 3 3 इज़ 9, तो ये आ गया डी ए हमारा रूट 18 का हो या 3 रूट 2 यूनिट्स का हो, बात एक ही है। अब हमें ये तो सारी साइड्स इक्वल आ गई, तो ए बी आ गई हमारी बी सी के, बी सी इक्वल आ गई सी डी के, और सी डी इक्वल आ गई डी ए के, राइट। हेंस अबव पॉइंट्स आर, अबव पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के वर्टिसेस है, राइट आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज ए के पॉइंट है 6 2, बी के पॉइंट है 2 1, ए के पॉइंट है 6 2, बी के पॉइंट है 2 1, सी के पॉइंट है हमारे 1 5 एंड 5 6, 1 5, और डी पॉइंट है हमारा 5 6। तो चलिए ए बी निकाल लेते हैं सबसे पहले। ए बी क्या आएगा, स्क्वायर रूट में हमने ए के पॉइंट्स माने x1 y1, बी के पॉइंट्स माने x2 y2, तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, दैट इज 2 में से 6 गया इज -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16 प्लस 1, तो ए बी आ गया हमारा √17 यूनिट्स, राइट। अब इसी तरीके से बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी के केस में देखिए, ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये आ गया हमारा 1 में से 2 का हो गया तो उसका होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया उसका होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, दैट इज 1 प्लस का है माइनस का 2 है, तो दैट मीन्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 गया इज 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस 4 4 16, क्योंकि 1 कैसे आया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये आ गया हमारा बी सी बी हमारा आ गया √17 यूनिट्स। अब हम सी डी निकालेंगे। सी डी आया हमारा, देखिए ये x1 y1 x2 y2, 5 माइनस 1 6 माइनस 5, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 5 में से 1 गया इज 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया इज 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 4 16 प्लस 1, दैट इज सी डी आ गया हमारा √17 यूनिट्स। अब हमें डी ए निकालना है। डी ए कितना आएगा, तो देखिए ये आ गया x1 y1, ये आ गया x2 y2, तो 6 माइनस 5 2 माइनस 6, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, क्योंकि आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, तो हमारा डी ए भी कितना आ गया, दैट इज √17 यूनिट्स। तो हमारी सारी साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो हमने लिख दिया ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी प्लस इक्वल्स टू डी ए, तो हेंस हेंस अबव पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट इज ए पॉइंट है 0 माइनस 2, बी है 3 एंड 1,
ए पॉइंट है हमारा 0 एंड माइनस 2, बी पॉइंट है हमारा 3 एंड 1, सी पॉइंट है हमारा 0, 4 एंड डी है हमारा माइनस 3 एंड 1. 0, 4 एंड डी पॉइंट है हमारा माइनस 3 एंड 1. तो चलिए करते हैं, ए बी निकालते हैं. सबसे पहले ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए स्क्वायर रूट लिखा, अब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो 3 माइनस 0 एंड 1 माइनस 2, तो 3 में से माइनस किया 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस किया माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, देखिए 3 में से 0 गया इज 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, तो 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट में 3 3 इज़ 9 प्लस 3 3 इज़ 9, तो ये आ गया हमारा रूट 18. ए बी आ गया हमारा रूट 18 और इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2. अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था यूनिट्स, राइट. अब इसी तरीके से हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी कैसे निकलेगा, ये एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू जो हमने 0 था उसमें से हमने 3 माइनस किया का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 माइनस किया तो का होल स्क्वायर, तो ये आया माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर, तो ये आया माइनस माइनस प्लस 3 3 इज़ 9 प्लस 3 3 इज़ 9, तो बी सी कितना आ गया रूट 18, दैट इज 3 रूट 2 यूनिट्स. अब हम सी डी निकालते हैं, तो सी डी आ गया सी, अब देखिए ये आ गया हमारा एक्स वन वाई वन ये आ गया एक्स टू वाई टू, तो माइनस 3 में से 0 गया, माइनस 3 में से 0 गया का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 4 माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट में माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 में से माइनस 4 हुआ, 1 प्लस का है 4 माइनस का है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए तो माइनस 3 आ गया. अब देखिए माइनस माइनस प्लस 3 3 इज़ 9, तो 9 प्लस 9 आ गया, तो हमारा सी डी कितना आ गया, दैट इज़ रूट 18. रूट 18 कहें या 3 रूट 2 कहें, बात एक ही है, यूनिट्स. अब इसी तरीके से हमें डी ए निकालना है, तो डी ए कैसे निकालेंगे, देखिए डी ए के लिए ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू, तो माइनस 3 में से 0 माइनस हुआ, तो ये आया माइनस 3 में से माइनस किया 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस किया माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, दैट इज माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इज 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस 3 3 इज़ 9 प्लस 9, तो डी ए आ गया हमारा रूट 18 कहें या 3 रूट 2 कहें, बात एक ही है, तो 3 रूट 2 यूनिट्स. तो चारों साइड्स इक्वल आ गई, ए बी आ गई बी सी के इक्वल, इक्वल टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, तो हैंस अबव पॉइंट्स, अबव पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ, वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आंसर.